सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है अमरावती जिले के माजी पालक मंत्री और राष्ट्रीय नेता श्रीमती यशोमती ताई ठाकुर। राष्ट्रीय नेता इसलिए कि देश के विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने नेतृत्व किया और वहां सरकारें स्थापित की, ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व आज हमारे अमरावती को उपलब्ध है। इसे चर्चा करेंगे कि पूरे देश में कहाँ कहाँ का दौरा किया और कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की राजनीति थी, उन सबको देखते हुए किस प्रकार वहाँ पे विजय हासिल की। आज बात चल रही है अमरावती की। अमरावती में पहली बार 1991 के बाद में पहली बार पंजा चुनाव चिन्ह यहाँ पर आया है, और साथ में विशेष बात के दोनों राष्ट्रीय पार्टी साथ में कमल भी पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है और पंजे को काफी साल बाद, हालांकि पंजे का पूरा गढ़ रहा है 1991 तक लगातार यहाँ पे पंजे पे और कांग्रेस की सीट रही है। एक साल का वो छोड़ दिया जाए सुदाम काका का, तो बाद में पुनः वापस यहाँ पे कांग्रेस स्थापित हुई। उसके बाद यहाँ पे यूती में सीट जाने के कारण यहाँ पर पंजा दूसरे को दे दिया गया, यानी सहयोगी पार्टी को दे दी गई। इसके पास लगातार यहाँ पे युति की सीट रही, जिसके कारण यहाँ पे पंजा नहीं रहा। हालांकि पंजे का पूरे मतदार संघ में मतदाता भी है और पंजे की पकड़ भी है। अब क्या वह पकड़ जो 1991 तक थी, अब तक वह पकड़ कायम है? हालांकि तीन आमदार अमरावती लोकसभा में कांग्रेस के हैं, दो प्रहार के हैं और एक अपक्ष आमदार है। ऐसे ही यहाँ की पूरी मतदाताओं की आमदारों की लिस्ट है, जिसमें आधा यानी 6 में से 3 भाग आधा अभी भी कांग्रेस के पास में है। लोकसभा में कांग्रेस नहीं थी, लेकिन विधानसभा में यहाँ पे लगातार कांग्रेस ने अपना परचम जमाए रखा और सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर 2.5 साल ताई ने काम किया अमरावती में और पूरे राष्ट्र में अलग अलग जगह जगह नेतृत्व किया। ऐसी यशोमती ताई आज हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताई, सीधा सीधा प्रश्न, आपने पूरे राष्ट्र में अलग अलग जाके नेतृत्व किया, थोड़ा सा अनुभव कि कहाँ कहाँ क्या आपको अड़चने आई, कैसे सॉल्व किया, फिर बाद में अमरावती पे आते हैं। हाँ, संगठन के हम लोग हैं और संगठन से ही हम उभर कर ऊपर आए हैं, तो संगठन की जो भी मांग थी, जहाँ पे भी थी, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और संगठन मजबूत करने की कोशिश करते हैं। या कभी इलेक्शन की जिम्मेदारी रहती है, कभी संगठन की रहती है, कभी जो भी नए प्रोग्राम्स पार्टी देती है उसके जिम्मेदारी रहती है, तो उस हिसाब से करीबन आधे से ज़्यादा देश हमने डिस्ट्रिक्ट घूमा है, जैसे जम्मू हो या राजस्थान हो, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, गोवा, दीव, दमन है, कर्नाटका है। कर्नाटक में तो आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जहां आपने कांग्रेस की विजय भी हासिल की थी। कर्नाटका है, मेघालय है, असम है, ये सारे राज्यों में मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा चुकी हूँ, तो एक अनुभव होता है लोगों के साथ बातचीत करने का, लोगों को समझ लेने का, पॉलिटिकल एनालिसिस करने का, और उसमें से अपन क्या कर सकते हैं अपने पार्टी के लिए, ये एक काम होता है, एक जुनून रहता है, तो उस जुनून में हम लोग काम कर चुके हैं। बाहर जहाँ जाते, वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता, वहाँ के विपक्षी लोग जिनसे ये संवाद होता, उसमें महाराष्ट्र में फिर अमरावती, क्या फर्क लगा आपको सारे जगह के कांग्रेसी में, अमरावती के कांग्रेसी में, बाकी जगह के विपक्ष में, यहाँ के विपक्ष में? नहीं, ऐसा है, कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है वो तो वक्त वक्त की बात रहती है। बात संगठन की है तो जहाँ दिल जुड़ते हैं, जहाँ विचारधाराएं जुड़ती है, वहाँ पे लोग भी जुड़ते हैं। अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है अमरावती में अलग और समझो मध्य प्रदेश में, विचारधारा सब जगह एक सरी की एक ही है और एक ही धारणा रहती है, एक ही चीज के ऊपर विश्वास रहता है और उस हिसाब से काम शुरू रहता है। अमरावती तो बहुत दिल के गहराइयों में बसी हुई है, तो कहीं पे भी उड़े, ध्यान तो अमरावती में ही रहेगा। विरासत में आपको राजनीति मिली हुई है, परिवार से चला है, कई परिवार जो विरासत में मिला, हमने देखा कि कांग्रेस छोड़ के चले, आपकी इच्छा नहीं कभी और आगे बढ़ने की? दो चीजें हैं, एक
इसमें। मेरे बाबा जरूर और मेरे दादा भी जरूर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम करते रहे हैं, लेकिन मैं मेरे बाबा के एमएलए होने के बाद 30 साल के बाद में मैं एमएलए बनी हूँ। तो ऐसे कोई बनाया बनाया हो तो कुछ मिला नहीं है। हाँ, सेवा करने का दृष्टिकोण हमें बचपन से सिखाया है और वो रहेगा जिंदगी की आखिरी सांस तक। तो सेवा करते आ रहे, करते करते राजनीति में आ गए, इलेक्शन टिकट मिल गई, तो इलेक्शन कंटेस्ट किए, एक बार हारे, बाद में जीत गए। तो संघर्ष तो किया है, कष्ट बहुत किया है। नहीं, बिना मेहनत के तो कुछ आता नहीं। बढ़ली विरासत में घूमना तो आपको ही पड़ेगा, संपर्क आपको करने पड़ेंगे, संबंध आपको बनाने पड़ेंगे, लोग आपको पिताजी के नाम पे दे सकते हैं, लेकिन काम तो आपका देखेंगे। आपने बोला कि बाकी लोग चले गए, हम लोग है जी। तो हम लोग तो सच्चे लोग हैं, हमको हमारी विचारधारा, सर्वधर्म संभाव, संविधान, ये सारी बातों हमारे लिए अहम है। हम पोस्ट के लिए कुछ भी करेंगे ऐसे वाले लोग हैं नहीं। जो विचारधारा है उस विचारधारा में हम रहे हैं और उसी विचारधारा के साथ में लेकर ही इस दुनिया में आखिरी सांस लेंगे, ये वस्तु स्थिति है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सारे लोग फॉल खेल रहे हैं, यदि मैं अकेला सही खेलूंगा तो मैं कैसे टिक पाऊंगा। वैसे देश में आज पूरा राजनीति एक कारपोरेट क्षेत्र बन गया है, हर आदमी अपना फायदा कहाँ वहाँ जाके देखता है, ऐसे में आप कैसे टिक पाऊंगे। तो भगत सिंह ने सोचा होता तो भगत सिंह हमें आज़ादी नहीं मिलती। महात्मा गांधी ने यही सोचा होता तो वो भी इस तरीके का सोच सकते थे। नेहरू जी, आज़ाद साहब, ये लोग यदि यही सोचते तो हम लोग आज अभी भी पारतंत्र में रहते। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी और जुनून है, देश प्रेम है, संविधान के प्रति पूरा आदर है, और ये देश यदि संविधान के प्रति आदर रखेगा तो ये। अभी देखो ना, हेगड़े साहब ने कहा कर्नाटका में, कल तो बहुत बड़ा वाक्य कर दिया कि संविधान बदलेंगे। ऐसे कैसे बदलोगे भैया संविधान, संविधान ही शासन बदलेगा। मुख्य रूप से ये थे आई के व्यक्तिगत और राजनीतिक विचार। हम आते हैं अब अमरावती। अमरावती शहर में फिलहाल में अभी 2 बजे से मैंने बताया कि भाजपा का उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार, 2 मुख्य धारा प्रवाह में रहे और 2 से 3 उम्मीदवार किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसके दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अमरावती की क्या स्थिति है और क्या बदलाव ला सकते हैं यहाँ पे उम्मीदवार, क्योंकि बदलना पड़ेगा। पिछले बार वीर ताई के समर्थन के ही उम्मीदवार थे जिन्होंने ताई को समर्थन किया है, उम्मीदवार तो ताई आपका ही। उन्होंने नहीं किया, हम लोगों ने समर्थन। हाँ, आपने किया, समर्थन किया। आज की सभा में आप पूछो कि मागच्या वेळेला कोणी कोणी मतदान केलं रे हिरोईनला, तो सब हाथ ऊपर करते। नहीं तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के सहयोग से आई थी, हमारे ही समर्थन से आई है। पिछले बार उन्होंने हमारी सिस्टम यूज की, आज वो बीजेपी की सिस्टम यूज करने चाह रही है। जिस तरीके से उन्होंने हमें लात मारी उस तरीके से बीजेपी वालों को भी लात मारेगी, ये फैक्ट है। कल ही आपने देख लिया प्रदेश अध्यक्ष के, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को किस तरीके से उन्होंने फटकारा। वो ये नहीं देख रही है कि वो एक बहुजन समाज का व्यक्ति है, उसी पार्टी ने उनको टिकट दी है और आगे देखो होता है क्या। ताई जिस ढंग से आप बोल रही, यदि आप राणा परिवार का पूरा राजनीतिक सफर देखे, आप राजनीतिक सफर देखे, सबसे पहले रवि राणा राष्ट्रवादी के कांग्रेस संजय खोड़के के खिलाफ लड़े थे, उसी पार्टी से नवनीत राणा ने संजय खोड़के को बाजू करके टिकट हासिल की, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ उन्होंने जुड़ाव लड़ा आपके साथ में, आज आपको अलग करके बीजेपी के साथ में होगा। अब तई अगला नंबर आपका नहीं हो सकता क्या कि अब बीजेपी के खिलाफ करके कांग्रेस से अगली बार टिकट मांग ले, वो तो आप क्या करेंगे ऐसे समय में, क्योंकि अगला तो ओपन है। देखो ऐसा है, अगला वो क्या करेंगे ये तो भगवान ही जानते। नहीं, मैं उनका पैटर्न बता रहा हूँ, चुनाव का पैटर्न बता रहा हूँ। देखो खंडनी वसूल करने वाले लोग हैं और उनके पास ऐसे ही बड़े बड़े लोग उनके पास में है, वो पैसे का कुछ खेल करते हैं। लेकिन मैं आपको 100% यहाँ पे आश्वासित कर रही हूँ कि कांग्रेस की टिकट वो
इसके बाद नहीं ला पाएंगे। पिछली बार भी वो राष्ट्रवादी को कांग्रेस ये छुट्टी थी इसलिए उनको टिकट मिल गई। उन्होंने शरद पवार साहब को 15 दिन में ही धोखा दे दिया, हमारे वोटों से जीती। अब धोखा देना उनका आदत है, वो अब बीजेपी को धोखा दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन 100% वो धोखा देंगे ये फैक्ट है। धोखा तो तब देंगे जब आप उनको पास में बुलाओगे, कहीं जगह तो लगेगी ना जाने को उनको। बीजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के आप जाएंगे कांग्रेस के पास ही ना? मुझे ऐसे लगता बराबरी की पार्टी में जाएंगे ना, कमजोर पार्टी में तो नहीं जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि रवि राणा, नवनीत राणा कितनी गंदगी से राजनीति करते हैं, ये अपना विषय होना ही नहीं चाहिए। आज की ये आर्ग्यूमेंट होनी ही नहीं चाहिए। वो गंदी राजनीति करते हैं ये सारी दुनिया को। इफेक्ट तो सारा आप पे आता है ना, राजनीति कहीं भी कर। इफेक्ट मेरे ऊपर क्या आता है या अमरावती के ऊपर क्या आता है ये तो आप देख रहे हो। अमरावती खंडनी बाजों की अमरावती ऐसी हो गई है, जिसको वो चाहे उसको वो तकलीफ देते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस आज प्रचार में आ रहे, उन वो जब पालक मंत्री थे उन्होंने क्या किया अमरावती के लिए ये उन्होंने बताना चाहिए। वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो आए ही कम। बीजेपी वाले उनको बुलाते हैं तो वो आते नहीं है, उनको और कहीं बुलाया इन दोनों ने तो वो आ जाते हैं। अब देवेंद्र जी की क्या मजबूरी होंगी ये सोचने वाली बात तो जरूर है। हमारी मजबूरी आज भी कुछ नहीं है और कल भी कुछ नहीं रहेंगी। तो वो सपना देखने की कोशिश कर रहे, या फिर आप उसको ओवर एग्जैगरेट उनकी इमेज कर रहे हो कि कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गंदा कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा कुछ भी अभी तक उन्होंने किया नहीं। उन्होंने जैसे आपके कार्यकाल में जब आप भी मंत्री थे तो यहाँ का एयरपोर्ट उन्होंने बताया कि वो स्क्रिप्ट में जा रहा था, उसके बाद ऐसा काम तो बचा के तो रखा है ना उन्होंने। क्या अब मुझे बताने संजू भैया आप उनकी बाजू ले रहे हो? नहीं मैं उनकी बाजू, देखिए फैक्ट्स आपको पता है, सदन में आप थे। एक मिनट, मैं सदन में थी तो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको। वो पूरा मंजूर हो गया, उद्धव ठाकरे साहब ने ही वो मंजूर किया। आज जो काम हो रहा है वो तब का ही काम है। आज वो उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे, कभी उनको लग जाती है, कभी वो अपाहिज हो जाते हैं, कभी गाड़ी में बैठ जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं। ये तरीका नहीं होता है राजनीति करने का। जिसका काम है उसको देना चाहिए। हरमन इंडस्ट्री आई थी, वो उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाई हुई थी। वो बेचारे कैसे क्या गुजर गए, इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उद्धव ठाकरे साहब थे तब मैंने खुद ने फाइल, मेरे भी वहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, मेरे भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स है, मेरे भी न्यूज़पेपर में आए हुए बातें हैं कि वहाँ पे मंजूर हो गया था। कोविड था, कोविड में क्या था, कोविड में ये दोनों क्या कर रहे थे? मैं जब पालक मंत्री थी तब तो कोविड था ना, ये दोनों तो हॉस्पिटल में भी वीडियो लेकर घूम रहे थे, है ना। हमने तो कितना काम किया, हर एक जिले में मैं गई हूँ और मुझे आखिरी समय में कोविड हुआ और मैं सरकारी दवाखाना में तब एडमिट थी। तो इनका कोविड तो सबको मालूम था क्या हो रहा था। ये बाहर बैठ के प्रेशर कर रहे थे कि खाना नहीं अच्छा हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो मैंने जाकर तो पीपी किट का पहन के मैं तो अंदर चली गई थी। तो खाना वाना तो सब अच्छा था। कैसी मानसिकता थी, किस मानसिकता के है ये लोग, इनको सिर्फ उलझन करनी आती है, सुलझाना कुछ भी नहीं ये जानते हैं, ये फैक्ट है। और ये जो क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, आप बोले मुझे कि उन्होंने लाया, वो कहाँ लाया? भूमि पूजन के लिए तो हम थे, तब तो मैडम कोई भी कुछ भी नहीं थी, तब केंद्र सरकार कांग्रेस की थी। नहीं, एक बार कांग्रेस की थी, एक बार भाजपा की थी, तब की मंजूरी है। हम लोगों ने भूमि पूजन करते समय हम लोग भी थे वहां पे, ये कहां पे थी। अब बात ऐसी है कि 2014 और 2019 के बीच में फिर पूरा पैसा क्यों नहीं आया? 2019 और अभी 2024 के बीच में 2.5 ईयर, 3 साल तक कोविड था, उसके बाद में ही पैसा आया। और पैसा आया और इन लोगों ने सरकार गिराई। उसके पहले सरकार गिरने के बरोबर करीबन 8-9 महीने या 10 महीने देवेंद्र जी पालक मंत्री थे, उन्होंने कितने विजिट्स किए, क्या हुआ एग्जैक्टली उसका, उसके बाद में तब ये कहाँ थी मैडम। इनके जो काम है ना, वो आधे काम तो टेंडर भी नहीं लगे हुए, आधे मंजूरात भी नहीं हुए, इन्होंने सिर्फ
कुदली मारने का काम किया है। डीपीडीसी के काम उनके है बोलते हैं। अब डीपीडीसी के काम ये तो एमएलए का ही काम रहता है, ये उनका कोई भी, हाँ उनके यजमान उनके जो पति है वो बडनेरा में एमएलए है, वहाँ का उनका अधिकार है, यहाँ का हमारा अधिकार है। अब वो कुछ भी करेंगे और कैसे भी चलाएंगे। अब देखो ना, भाजपा वाले तो इलेक्शन भी नहीं ले रहे। महानगर पालिका में आपने देखा उन्होंने आष्टिकर साहब को किस तरीके से उन्होंने स्याही उनके ऊपर फेंकी, कितना गुंडागर्दी। शिवाजी महाराज का पुतला, शिवाजी महाराज का पुतला मैंने किस जगह आप लगाना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? आप सचमुच शिवाजी महाराज के सेवक हो, आप सचमुच उनके विचारधारा पे मान रखते हो, या आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो? मैंने भगवान और संत तो सारे राजनीतिक तो हो ही गए ना अभी। देखो ऐसा है, सभी ले रहे उनका। पुलिस को कितना, पुलिस का छल करते हैं वो। अपने बेका बीच में राजापेट के पुलिस स्टेशन में किस तरीके से मैडम बिहेव किए, किस तरीके से उन्होंने दादागिरी की, किस तरीके से वो पूरा नहीं, जो भी हो रहा है अमरावती में वो कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अमरावती की छवि ऐसी कभी नहीं थी। भाऊ साहब पंजाबराव देशमुख यहाँ से खासदार रह चुके हैं, यहाँ से गवाई साहब खासदार रह चुके हैं, यहाँ से पहली राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। अमरावती का एक वजूद है, और उस वजूद को यदि गुंडागर्दी, खंडनी वसूली और लैंड ग्रैबिंग में यदि आप मान्यता इसको दे रहे हो तो ये तो गलत है। फडणवीस साहब ने भी इस बारे में कहा था कि यहाँ पूरा लैंड बैंक बना हुआ है करके। वो क्या लैंड बैंक, फडणवीस साहब नहीं, वो भी है डेवलपमेंट के बारे में, जैसे आपने भी इसका बताया। और ये तो हमने भी देखा कि जो ये यहाँ का टेक्सटाइल पार्क है वो उद्धव साहब औरंगाबाद की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। देखो ऐसा है, टेक्सटाइल जोन जो है वो मनमोहन सिंह साहब के समय हुआ था। जो टेक्सटाइल जोन हुआ था वही टेक्सटाइल को टेक्सटाइल पार्क करके हुआ है। तो ये पहले ही दी हुई चीजें है। आप जो भी इंडस्ट्रीज नांदगांवपेट एमआईडीसी में आप देख रहे हो वो कांग्रेस के समय आई हुई है। मेरे हाथ के एमओयूज है, मैं वहां पे बैठकर, नारायण राणे साहब तब एमआईडीसी मिनिस्टर हुआ करते थे, पालक मंत्री नागपुर के शिवाजीराव मोगे साहब थे, और वहां पे विदर्भ एडवांटेज एक प्रोग्राम हुआ था। उस विदर्भ एडवांटेज में आज आपको जो दिख रहे हैं वो सारे एमओयूज तब की बातें, तब की न्यूज भी, पेपर की न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज तब को आप मिलेगी। आज जो एमआईडीसी दिख रहा है वो वहीं का है, तभी का है। इसके पहले, उसके पहले वो एमओयूज हुए नहीं थे। और रही बात हरमन की, तो हरमन वाला तो निकल चुका था, हमने आवाज उठाई, आपने वीडियोस भी देखा होगा विधानसभा में, हमने बोला। आज आप देखो किस तरीके से उन्होंने रेलवे का भी लैंड हड़प किया है, उसमें अब मजबूरी प्रशासन की है या गुंडागर्दी इनकी है ये समझना बाकी है। देखो बेईमान और बदमाश कोई भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा अक्कल नहीं लगती। ईमानदारी पे, ईमानदारी के राह पे चलने के लिए वजूद लगता है, और वो वजूद हम लोगों में है। ईमानदारी की राह तो कांटों भरी होती है ना हमेशा। अमरावती के लोगों में भी वो वजूद है और वो दिखेगा आपको आगे। एक और कारखाना कल हमारे एक नगर सेवक आए थे हरमकर सेना के, उन्होंने बताया कि एक ये भी फैक्ट्री थी वहाँ पे बम बना के पीछे आई थी ना, काफी टाइम चला था, उसकी दीवार वगैरह बनी थी, वो भी यहाँ से चलेगी। तो उन्होंने कहा कि वो डायनामिक भारत, भारत डायनामिक्स, यदि वो खासदार क्लेम करती है कि हमने डेवलपमेंट किया, फिर भारत डायनामिक में कुछ भी क्यों नहीं हुआ, वो तो चलेगी ना गुजरात। वो भारत डायनामिक्स में तो उन्होंने तो लैंड तो दे चुके हैं आप मिलिट्री को, लैंड तो आप दे चुके हो, फिर वो आया क्यों नहीं? इसके ऊपर इन्होंने एक प्रश्न भी उठाया, यहाँ के जो मूल मुद्दे हैं अमरावती के उसके ऊपर आपने कुछ बोला? आपने सिर्फ नौटंकी करने वाली बातें की। आप मेलघाट में जाते हो, 70 रुपये की साड़ी आप लोगों को देते हो, और खुद ऐशो आराम में बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में जाते हो। कहाँ से आए, कैसे आए, इतना पैसा जमा कैसे हुआ, कहाँ से हो रहा है? 256 टाइम्स मोर देन लास्ट टाइम, फ्रॉम वेयर हैज दिस कम? ये
देवेंद्र साहब को भी समझना चाहिए और अमरावती कर अमरावती वालों को लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने ही मुझे कहा कि आपको तो राजनीति काय में मिली है, बोले आप विरासत में मिली, हाँ विरासत में मिली है, तो विरासत में ईमानदारी भी मिली है मेरे भाई। ऐसी गुंडागर्दी तो कोई भी चिल्लर आदमी कर सकता है, सिर्फ बेशरम होना पड़ता है उसके लिए। अब जो बेशरम हो चुका है वो ये सारी बात, एयरपोर्ट की बात चल रही थी जी। एक्चुअली आपने पूरा एयरपोर्ट का पता है, आप मंत्रालय में रही हो, आपका काम का तरीका मालूम है। मैं 20 साल से देख रहा हूँ एयरपोर्ट हो रहा हो रहा हो रहा, क्या कभी अमरावती होगा? अमरावती देखो होना तो चाहिए, क्योंकि मैं खुद, क्योंकि पैसा भी है, सब है, फिर कहाँ रुकता है। सुनो सुनो, इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा नागपुर को दिया जा रहा है, नागपुर को हब बनाया जा रहा है, अमरावती की तरफ देखा ही नहीं जा रहा है। ये फैक्ट है, ये वस्तु स्थिति है, पिछले 10 साल में तो यही हुआ है। अब नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल बड़ा हो गया, नागपुर में मेट्रो आ गई, नागपुर का एयरपोर्ट डेवलप हो गया, नागपुर में रोड रस्ते सब आ गए, मेलघाट में कुछ भी नहीं आया। मैं स्काई वॉक मेलघाट में है ना, 6 रस्ते भी क्या 6 रस्ते मेरे भाई? नहीं अभी हमने कहा वो बोलने के लिए तो कुछ भी कहते हैं सर। मैंने कहा ना कि ऐसा वाहियात बिहेव करने के लिए सिर्फ बेशरम होना पड़ता है। अब बोलने के लिए तो सब कुछ उन्होंने किया है, तो 6 रस्ते जो उन्होंने कहा जो होते थे कहाँ हो गए क्या? नहीं मैं गया नहीं मेलघाट में, तो आपसे पूछूंगा ना, फिर आपको भी पता होगा मेलघाट। वहाँ पे देखो, अब मेरे साथ में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब राज्य मंत्री करके बच्चू कड़ू भी थे, उन हम लोगों ने कितने मीटिंग्स लिए और क्या अप्रूवल दिया ये हमको, हमारा मालूम वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में है, वो तो पब्लिक में कभी भी आ सकेगा। लेकिन स्काईवॉक का क्या, कितने सारे आपने वीडियो तो देखे होंगे मैडम, कहाँ हुआ? होगा ना, हो गया काम तो सब होता ही है ना, आप जो भी घोषणा करते हो तो काम तो होते रहता है ना, एयरपोर्ट होते रह रहा, स्काईवॉक भी होते रहा, मेलघाट की परेशान तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, ठीक है अभी कुछ दिनों में कोशिश सुनने में नहीं आया। अब मुझे बात बताओ कि नागपुर का सेंटर हो रहा है ना, अमरावती में क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने बोलना चाहिए, पत्रकार हो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, मेलघाट में भी अपने कई चीजें डिजिटल कर दी, लेकिन वहाँ पे अभी भी आपके काल में हुआ डिजिटल हुए, लेकिन बाद में वो अभी भी देखो तो वहाँ पे सिग्नल ही नहीं मिलते, तो डेवलपमेंट तो हो जाता, बाद में उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता ना। वैसे क्या लगता है अमरावती में क्या बाकी अभी होना जो नहीं हुआ होना चाहिए करके? एक तो अमरावती में देखो केंद्र के नाते, चलो स्टेट के नाते, दो चीजें आपके पास अभी केंद्र के। अमरावती में नांदगांव पेट में मेडिकल कॉलेज हमने मंजूर करवाया, वो लोग झगड़ा करके उनके जहाँ जमीन है, जो 3 लाख की जमीनें थी उसको अब 30 लाख की, तो उनका बोलते ताई की जमीन थी करके, उन्होंने ताई ने उधर ले गया था करके। मेरी कहाँ जमीन है, मेरी तो मुझे बोलते सुन, हम सुनो एक मिनट भाई, आप डाइवर्ट मत करो, आप उनको सपोर्ट, नहीं, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट, आप जिस तरीके से मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप उनके सपोर्ट में आप मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हो क्या? देखो नांदगांव पेट में मेरी जमीन किसी ने बता दे मुझे 7-12, मेरी कहाँ जमीन है? मेरी जमीन पुरखों की जमीन है, नासिक में है, सटाना में है और मोजरी एरिया में है, बिल्कुल है और है। मैं कोई लाचार नहीं हूँ, मुझे इलेक्शन का काम पड़ता है तो मैं 1 एकड़ बेच डालती हूँ, मेरा इलेक्शन निपट जाता है। 1 एकड़ में हो जाता? काफी अच्छी जमीन है, 1-2 एकड़ बेचनी पड़ती होंगी। लेकिन मैंने खुद की जमीन की जगह पे, नांदगांव पेट तो ई क्लास लैंड पे था ना, MIDC कहाँ मेरी जमीन तो नहीं है, वहां पे किसका भाव बढ़ता, वहां के लोगों की जमीनों का भाव बढ़ता। अब अमरावती के सेंटर से एखादा मेडिकल कॉलेज उठाकर उधर लेकर जाना और वहां पे भी वीट भट्टियों का अभी लोकसभा में वोट मिलना चाहिए, इसलिए वहां पे भी काम शुरू नहीं होने देना, उसके अभी इलेक्शन होने के बाद में गलती से यदि वो आती है तो वो पूरे वीट भट्टियां उठा डालेंगे वहां से, क्योंकि उनको उनके देखो एक मिनट, आप उनके फेवर में कम नहीं, नहीं फेवर में नहीं बोला मैं हकीकत क्या होता है, हकीकत ऐसी है, आपको तो ई क्लास आप बोलो ना, उन्होंने आपके बारे में तो आप उसको एक्सप्लेनेशन दो ना। ई क्लास लैंड है, ई क्लास लैंड के ऊपर नांदगांव पेट में मंजूरत आ गई थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, सब ऑफिस खुलना बाकी था, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, नांदगांव पेट पूरा वहां पे भी इनको वोट मांगना पड़ता है, वहां के उठा के मतदार संघ में एक कोने में लेकर गए, क्योंकि उनके जमीनें वहां पे है और ये सबको मालूम है, वो जो भी बोलते हैं ना हनुमानगढ़ी और क्या क्या पता नहीं, वो वहां पे क्या उद्देश्य है वहां पे लेने का, वहां अमरावती के सेंटर में क्यों नहीं? फिर
हम जहाँ पे इरविन का हॉस्पिटल है वहाँ पे क्यों नहीं, वहाँ पे भी हो सकता, चाहिए था, बहुत अच्छे से हो जाता था। उसका तो प्रस्ताव भी आया था ना, हम लोगों ने प्रस्ताव किया था, नहीं नानगांव पेट जम रहा है, चलो अमरावती में करो आप यहीं पे, दूसरे को 15 माले की ये देना परमिशन दे दो, 15 माले की परमिशन उसको मिल सके। और अभी का जो वर्तमान का जो मेडिकल कॉलेज है, ये ऐसे ट्रीटमेंट उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज करके ही है ना, सरकारी मेडिकल कॉलेज करके तो है नहीं। चलो एनीवे आप अभी और मेडिकल कॉलेज तो वो लोग खुद के जमीन के पर स्टेटस की बात कर रहा हूँ, नानगांव पेट MIDC में कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने मेडिकल कॉलेज नानगांव पेट का हटाकर उधर लेकर गए, उन्होंने वहां पे जो इंडस्ट्रीज आई थी उनके ऊपर बेचारों को क्या प्रेशराइज किया, वो वहां से हट गए, कोई लोग तो मर गए वहां से, फिर बाद में मेडिकल कॉलेज जहाँ बन रहा है वहाँ की वीट भट्टिया वो पूरा कब्जे में लेने का उनका प्लान है। अब ये सारी नेगेटिव बातें वो कर रहे हैं, ये कोई अमरावती के फेवर की बात है क्या? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, नहीं नानगांव पेट में होता है तो इरविन जहाँ हॉस्पिटल है वहीं पे होना चाहिए, यू ऑलरेडी हैव अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओवर देयर, फिर वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? अब ये बात है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे और इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, यहाँ का एयरपोर्ट शुरू होना चाहिए, यहाँ पे जितनी ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे सारे लोग पूना मुंबई चले जाते हैं, उनके लिए अपने को इंडस्ट्रीज लाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल पॉलिसी बन के यहाँ पे करवाना पड़ेगा। टेक्सटाइल जोन था पहले से ही, उसको टेक्सटाइल पार्क बनाए, लेकिन आप कहाँ सब्सिडी दे रहे हो, कहाँ लोग आ रहे हैं, नहीं है, डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर हो गया है, उसके बाद में तो कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अमरावती एक विदर्भ का पार्ट है, सिर्फ नागपुर विदर्भ का पार्ट नहीं है, अमरावती को भी देखना पड़ेगा आपको। टेक्सटाइल पार्क भी मेरे मन में कुछ प्रश्न है टेक्सटाइल पार्क को लेकर, टेक्सटाइल पार्क यानी मुझे नहीं मालूम कि कल्पना टेक्सटाइल पार्क की क्या आपको क्या लाना है टेक्सटाइल में, मुझे लगता है कि रेडीमेड इंडस्ट्री ऑलरेडी अमरावती में 400 से 600 रेडीमेड के कारखाने अभी, जो हर एरिया के लोग वहाँ पे मजदूरी करते, यही सारे समेट के वहां लेके चल जाऊंगा, आपको कुछ नया कुछ जोड़ होना है, और 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी सरकार सब लगा के देगी, हमको सिर्फ जाके काम करना है वहां पे, इन्वेस्टमेंट का हर बार जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन नहीं समझ आता। आप बड़े इंडस्ट्रीज को, आप वो जोन को आप यदि सब्सिडीज देते हो तो अलग अलग व्यापारी जो है वो उनको फायदा होगा, तो आएगा, फायदा होगा तो वो आएंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ पे सब्सिडी देते हो, आप जमीन पे वहाँ पे कुछ हमें नियोजन करके देते हो, CETP प्लांट हमने कितने बार क्वेश्चंस किए, CETP प्लांट का नियोजन और उसके ऊपर निधि डालते हो, एटलीस्ट CETP प्लांट तो भी पिछले 10 साल में हो जाना चाहिए था। अब आप ये पूछोगे कि ताई आप तो थे मंत्री, मतलब बिल्कुल मंत्री थी, कोविड था और सारा फंडिंग मेडिकल रेमडेसिविर्स मेडिसिन इसमें खर्चा हो रहा था, ये आपको भी मालूम है, घर पे लोग नहीं थे, लोग सारे अस्पताल में रहते थे, और जैसे कोविड खत्म, जिसके पास था उसने किया भी, जिसके पास नहीं था उसको मिला भी, बिल्कुल सबने मिलके पूरा उसमें सबने मिलके दिया। और भाई अभी आज कल की बारिश में अपने अमरावती के आसपास के क्षेत्र का बहुत नुकसान है, ये नुकसान हमेशा होते रहते, किसान हमेशा, हर व्यक्ति हर राजनीतिक व्यक्ति किसान के नाम पे वोट मांगता है, इतने सालों से मैं देखते रहा हूँ, यहाँ पे भी कृषि मंत्री रहे हुए देशमुख साहब, उसके बाद में भी यहाँ पे किसानों की हालत कभी ठीक नहीं हुई, चाहे सरकार देखो ऐसा है, सेंट्रल की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए। आज देखो, आज जो संतरा का पूरा पार्ट है हमारा, वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेश में संतरा जाने के लिए रोक दिया, ठीक है, वहाँ पे जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो कीमतें हैं उसको बहुत बड़ा कर दिया, वो रोक दिया। आप देखो प्याज महाराष्ट्र से जाता है, उसके ऊपर जो पॉलिसीज है वो गलत हो गई, आप शुगर वाली जो पॉलिसीज है वो गलत हो गई, कपास अपन टेक्सटाइल पार्क और इतना गाजा वाजा होता है तो कपास लगने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे निर्माण होनी चाहिए थी, वो अभी तक टेक्सटाइल बोलने के बाद में भी वो अभी तक हो नहीं रही है। ये सारा जो होना बाकी है वो स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर जब केंद्र सरकार को राज्य सरकार को रहता है तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। हम बोल रहे हैं, आप 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, 2009 में और 2014 के एंड में जो नानगांव पेट MIDC का डेवलपमेंट हुआ है वो तभी हुआ है, उसके बाद में आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, ये फैक्ट है। जब तक आपके पास में वो इंटेंशन नहीं है तब तक
वो नहीं हो सकता। हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद जरूर लगती है इस सारी चीज़ों में, लेकिन इसके ऊपर अभी पिछले 10 साल में किसी का ध्यान नहीं है, ये भी फैक्ट है। इसे अमरावती का क्या नुकसान और क्या फायदा, इसका पूरा आरा खड़ा भी लिया हमने, किस प्रकार से आगे डेवलप हो सकती है, और पिछले 5 सालों में जो अमरावती का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा उसमें क्या अमरावती का नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ और क्या आगे चलेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद में।